नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSA हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपको पता होगा कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना अति आवश्यक है। यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी ID को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और समय भी बहुत कम है। अतः आप जल्द से जल्द अपने पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर लें। और बहुत सारे VLA भाइयों का यह कमेंट था कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने में परेशानी हो रही है, अपलोड नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपलोड करेंगे। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह यदि आप अपलोड करते हैं तो आसानी से अपलोड हो जाएगा और बहुत जल्द सक्सेसफुल का मैसेज भी आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSA की पल पल की खबर मिलती रहती है तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसमें टाइप करेंगे CSA रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे तो और सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा CSA रजिस्ट्रेशन, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप माई अकाउंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, माई अकाउंट, इस पर क्लिक करना होगा, माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जब आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, अपना CSA ID डालना होगा और इस कोड को इसमें डालना होगा और यहाँ फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, CSA ID डालेंगे, इस कोड को डालेंगे और फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने ऐसा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग जब होने लगे उस समय आपका डिवाइस आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होना चाहिए, यानी मॉर्फो या जो भी मात्रा है वो कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्टेड रहेगा। और जैसे ही ये आएगा तो इस प्रकार ये खुल जाएगा। अब ऐसे खुलते ही आप क्या करेंगे, यहाँ आप कॉन्सेंट देंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट देंगे और यहाँ स्कैन पर क्लिक करेंगे। स्कैन फिंगर जो दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे स्कैन फिंगर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिवाइस है मॉर्फो वो उसमें लाइट जलेगा। आप अपना फिंगर उस पर रखेंगे, रखते ही यह क्या होगा, ऐसा इंटरफेस ले लेगा, यानी यह कनेक्ट हो जाएगा और इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं KYC का ऑप्शन आपको शो होगा। यहाँ KYC अपडेट, देखिए यहाँ ऊपर दिख रहा है KYC अपडेट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आने के बाद KYC अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ KYC अपडेट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यह इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ दिखेगा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। नीचे जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब यहीं पे आपको क्या करना है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सबसे ऊपर यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट, इसमें फाइल सेलेक्ट करना होगा और यहाँ डॉक्यूमेंट जो सेकेंड वाला है इस पर क्लिक करके आप जहाँ फाइल रखे होंगे वहाँ से ओपन कर लेंगे, ओपन करके सबमिट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे यहाँ फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, फाइल के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर में लेके जाएगा और जहाँ आप रखे होंगे इसको वहाँ से आप क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन करते ही क्या होगा, यह इसमें सेलेक्टेड हो जाएगा। और जब सेलेक्टेड हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यह सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, पुनः आप आएंगे इस पेज पर आएंगे, जब इस पेज पर आएंगे, शुरू वाले पेज पर आएंगे या यहीं पे आप स्थिर रहेंगे तो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। बस यहीं पे आपका अब कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है यहाँ अपलोड हो चुका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, वहाँ लिख देगा कि योर डॉक्यूमेंट या KYC हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो इस प्रकार आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका समाधान बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भील साथियों।